हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? सब मस्त है ना? मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज मैं करने वाला अनबॉक्सिंग कैश ऑन कैमरा का आज ही मेरे को डिलीवर हुआ है और आज ही मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं बनाता हूँ भी और देखो कैसा क्या क्या चीज़ें मिलती है कैश ऑन कैमरा के अंदर। ये अभी कैश ऑन का कैमरा है, कैश ऑन C10। तो अभी अनबॉक्सिंग किया और इसको अभी खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्या क्या मिलता है। तो अभी कैमरा का बॉक्स ऐसा कुछ है और इधर कुछ उसका QR कोड है, स्कैनर है, हाउ टू यूज़ कैश ऑन कैमरा के ऊपर से डिटेल्स देने वाले। और ये सब स्पोर्ट्स का दिखा है स्टिकर्स। और ये देखो इधर कुछ डिटेल्स में दिया गया है पूरा कैमरे के बारे में। तो आप लोग चाहिए तो पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं क्या क्या दिया गया। और इधर गूगल प्ले का और एप्पल का कुछ तो स्कैनर है शायद से, ये मोबाइल पे स्कैन करके मोबाइल पे ऐप ले सकते हो। तो चलो कैमरे के ऊपर फोकस करते हैं अभी। तो ये देखो कैश ऑन का कैमरा कुछ ऐसा मिलता है इसके अंदर। तो ये आ गया कैश ऑन का कैमरा। इसको साइड में रखते हैं अपन। ये कुछ कार्ड मिला है, वाली वारंटी लिख के लिखा हुआ। ये कुछ पेपर से डिटेल्स में कैमरे के ऊपर कुछ रहेगा इन्फॉर्मेशन। ये भी कुछ वैसे ही रहेगा कैमरे के ऊपर से क्या क्या है, कैसा कैसा यूज़ करना है वो सब के लिए। इसको भी साइड में रखते हैं हम लोग। और अभी ये एक बॉक्स आ गया इसके अंदर से और ये एक बॉक्स आ गया इसके अंदर से। अभी ये बॉक्स के अंदर देख के क्या क्या मिलते हैं। अब ये ऊपर वाला बॉक्स में ओपन कर दो और बॉक्स के अंदर देखो पहला चीज़ देख ले मेरा बाइक है। सबसे पहला बाइक देख ले मिला, ये जिप टाइट है, ये कुछ स्ट्रिप्स है, ये और एक केस है पीछे का, मतलब बैक केस रहता है कैमरा का जैसे इसको दिया गया है वैसा केस है। ये माइक अटैचमेंट है, एक बैटरी। सबसे बेस्ट पॉइंट है कि इसमें दो बैटरी मिलते हैं कैश ऑन के कैमरे के अंदर और एक ये एक्स्ट्रा। तो दो बैटरी का बहुत गरज रहता है राइड्स पे भी जाते हो तो। और ये चार्जर, ये वाइप पोछने के लिए, ये कैमरा का लेंस पोछने के लिए ये चार्जर। और क्या इसके अलावा कुछ नहीं है, एक बुक दिया है इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे क्या यूज़ कर सकते हो। तो बुक को अंदर ही रखता हूँ। और ये अभी नीचे जो बॉक्स था वो खोलते और उसके अंदर देखते क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है रिमोट जो यूज़ कर सकते हैं बाइकिंग वाइकिंग रनिंग विलिंग करते हुए, जब व्लॉगिंग करते रहेंगे तब यूज़ कर सकते हैं बिना कैमरा को हाथ लगाए। और ये सब माउंस है, अभी बहुत सारे माउंस हैं। ये माउंस में डायरेक्ट निकलता हूँ बाहर। ये हैंडल माउंट है, बाइक के हैंडल या साइकिल के हैंडल पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। और ये चेन माउंट, मतलब जो बोलते हैं हेलमेट के चेन, मतलब उधर लगाने के लिए हेलमेट पे माउंट करने के लिए, या बाइक पे भी माउंट कर सकते हैं किधर करना है वो आपके मर्जी, कार पे भी माउंट कर सकते हैं। ये सब माउंट्स है अभी। और ये है केस एक जो सपोर्ट देता है कैमरा को माउंट करते वक्त। तो ये सब चीज़ें अभी इसके अंदर मिल गए। तो चलो ये सब को अभी बाजू में कर देते और कैमरा के बारे में देखते। अभी ये कैमरा है,
4K में रिकॉर्ड करते हैं, 4K 60 FPPS में लास्ट तक, तो इसका भी ऐसा केसिंग आता है, तो ये केसिंग खोलते और देखते कैमरा कैसे है। पहले सा केसिंग का स्टिकर निकाल देते, ये केसिंग का स्टिकर निकल जाए ऐसे दिखते, तो अभी हम खोलते हैं इसको और देखते हैं अंदर कैसे है। इसका खोलना बहुत इजी है, सिर्फ एक फ्लिप पे खुल जाते। तो ये एक्चुअल में कैमरा है, तो इसका भी हम लोग निकाल देते स्टिकर्स। अरे देखो इधर अभी मेमोरी कार्ड का है, इधर चार्जिंग का है, तो इसको स्टार्ट कर दिए। अभी जो पावर बटन है इधर है, तो पावर बटन को दबाने के बाद स्टार्ट होएगा। और ये ओके बटन जो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, फोटोज क्लिक करने के लिए यूज़ होता है, ये पावर बटन थोड़ा देर दबा के छोड़ लेंगे तो इधर ब्लू लाइट आएगा। और ये देखो बैटरी लो है, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्लियरिटी आप लोग देख सकते हैं, ऑसम क्लियरिटी है। और ऊपर से एक टच स्क्रीन है, तो ये फीचर बहुत अच्छा दिया है इसमें। ये देखो टच स्क्रीन पूरा पूरा टच पे चलते हैं, ये 4K 60 FPPS जब कैमरा मिलता है अनबॉक्सिंग के टाइम पे ही, तो डायरेक्ट यही सेटअप पे आता है। तो इसका जो क्वालिटीज है ना, वो मैं राइड करते हुए आपको दिखाऊंगा, वीडियो का स्टेबिलिटी क्वालिटी क्या क्या है। 720p 30 FPPS से लेके 4K 60 FPPS तक है। अब बहुत चेंज कर लेगा, ऐसा भी कर सकते, अभी ये वीडियो मोड है, तो ऐसा स्लाइड किया तो फोटो मोड होएगा, और फोटो का उसमें 20 FPPS है, 20M है सॉरी मेगापिक्सल, तो 24 मेगापिक्सल है लास्ट, 24 से लेके 8 मेगापिक्सल से लेके 24 मेगापिक्सल तक है, तो उसको हाई पे रखेंगे 24 तक। डिस्टॉर्शन दिए टर्न ऑफ रखे तो टर्न ऑफ ही रहेंगे, वाइट बैलेंस ऑटो, एक्सपोजर 0, तो ये सब जैसा है ना वैसा ही रहेगा तो अच्छा है। सपना मिडिल ही रहेंगे, सपना जास्ती होएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है क्लियरिटी में, मतलब क्लियरिटी आएगा, सपना खुद जास्ते ब्राइट होके आएगा, तो उसको कभी भी मिडिल ही रखो। लॉन्ग एक्सपोज ऑटो, ISO ऑटो सही है, टाइम वाटर मग इसको ऑफ रखो, टाइम वाटर मग आपको चाहिए रहेगा तो सही है, नहीं तो ऑफ रखो, गरज नहीं उसका। तो इसका सेटिंग्स देखते हैं अभी क्या क्या है इसके अंदर। वाईफाई है, इमेज रोटेशन है, रिसेट वाईफाई का भी ऑप्शन दिया गया है इसमें, लाइट सोर्स दिया है, लीड इंडिकेटर, ऑटो स्क्रीन सेविंग सेवर, इसको टर्न ऑफ रखते हैं हम लोग, ऑटो स्क्रीन सेवर, माइक्रोफ्लोर, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग और एक्सटर्नल दोनों है ऑप्शंस। तो बिल्डिंग में जब भी रिकॉर्ड करते रहेंगे बिल्डिंग ऑप्शन रखा रहेगा चालू, तो माइक्रो इसका जो माइक्रोफोन है तो उससे आवाज जाएगा, और एक्सटर्नल अटैच करें एक्सटर्नल डालेगा तो एक्सटर्नल का वॉइस जाएगा, वो भी आप लोग देखेंगे आगे। मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये कैमरा, तो मेरे को आइडिया नहीं है, टच दिया तो बहुत अच्छा गिर रहा है यूज़ करने के लिए, बटन पर बार बार क्लिक करने का गरज नहीं गिर रहा है, जैसा ऐसे साइड बटन क्लिक किया तो नीचे आ रहा है, तो ये ऊपर किया तो ऊपर जा रहा है, तो बटन भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। कार मोड है, बटन प्रॉप्स देखते क्या है, मिडिल रील जास्ती कुछ करने का नहीं है, टाइम फॉर्मेट लेग्स ये फॉर्मेट वीमेट कर दें, तो ये रहा इसका सब फीचर्स। मैं कैमरा का क्लियरिटी बहुत अच्छा लगा मेरे को एक्चुअली में,
तो चलो इसके बारे में देखते हैं अभी और कुछ क्या क्या निकले मिलते हैं। तो कैमरा का ऑल टुगेदर इसका जो लुक है ना बहुत प्रीमियम लुक है, मस्त दिख रहा है। उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा लग रहा है, फुल प्लास्टिक मटेरियल है लेकिन बहुत सही लग रहा है। तो ये यूज़ करके भी देखते हैं कैसा दिखता है ये कैमरा, और इसका जो रेवोल्यूशन है, क्लियरिटी है, कैसा मिलेगा वो हम लोग चेक करते हैं अभी। तो चलो गाइस डायरेक्ट बाइक की राइड पे मिलते हैं, और उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि मेरे को जैसे लैंडिंग व्लॉग होएगा वो शायद से, उसमें मेरे को इसका क्लियरिटी, इसका 4K 60 FPS और बाकी सब FPS है वो मेरे को चेक करने गिरेगा, उसका क्लियरिटी और उसका स्टेबिलिटी। तो उसके लिए मेरे को बहुत वीडियो लेंदी होएगा ये वाला, उसके लिए ये वीडियो मैं इधर एंड कर देता हूँ, और इसका क्लियरिटी वाला वीडियो मैं नया बनाऊंगा। तो वो देखो इसमें पूरा आपको डिटेल में इसका कौन सा रेवोल्यूशन अच्छा यूज़ करने के लिए, तो वो मैं रिकॉर्डिंग वाला दिखाऊंगा। तो चलो गैस मिलते हैं अभी नए व्लॉग में, बाय गैस।